साहब ये लोग जहर खिला दिए हैं हम लोग का मरने के लिए, जाके घर घर देखिए क्या हालत है। अभी बहुत गांव में यही पूरा गांव में मर रहा है। खाए कम खाए तो यही हाल हुआ, ज्यादा खाए तो मर जाते हो। दीवा का पानी इन्हीं में चढ़ गया है, अभी शायद आगे भी चढ़ सकता है। हाँ अभी कोई स्थिति नहीं। 65 बरस का बुढ़ा गया होता तो उसको फ्लाइट हो गया होता। फ्लाइट हो गया, फ्लाइट हो गया है। ये तो सबको फ्लाइट हो गया, सब बरस भूला गए, सब भूला गए। नमस्कार, अभी हम लोग है तिलगही के नया बस्ती बेलबनिया में और बेलबनवा में, और अभी मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये सारे लोगों का तबीयत खराब हुआ है। देख रहे हैं लाइन से खड़ा हुआ है, ये सभी लोग मरीज हैं। देख रहे हैं कितना सूखा सूखा चेहरा है। अब चेहरा क्यों सूख गया है, क्यों मुरझा गया है, इन लोगों से पूछेंगे। और सामने ये भी थोड़ा सा डिब्बा दिखा दीजिए, उदाहरण के तौर पर रख दिया गया है। ऐसा ऐसा डिब्बा ना जाने कितना होगा, हमसे गिनती भी नहीं होगा अगर गिनना शुरू कर दे तो। सबसे पहले आप ही से पूछ लेते, आपका क्या नाम हुआ? फैजल खान। फैजल खान जी, आपका चेहरा कहा सूख गया है? बरात गए थे इसीलिए। बरात तो मिठाई चाप के खाए हैं? पूछिए मत, पूछिए मत। क्या हुआ है? नहीं मिला था उन लोगों, मिला ही नहीं था। मिला ना, अच्छा बोल रहे हैं चाप के खा रहे, इसीलिए बोल रहे हैं। चाप के कहाँ खाए, कम खाए तो यही हाल हुआ, ज्यादा खाए तो मर जाते हो, मर जाते। अच्छा आप लोगों को क्या शक है कि वहाँ पे जो खाना खिलाया गया वो गड़बड़ खाना था? गड़बड़ खाना था। अच्छा आप लोग कई दिन से तबियत खराब है? 3 तारीख से। 3 तारीख से तबियत खराब है और आज तक इलाज ही चल रहा है। और आपका इलाज होता? आपका भी इलाज हो रहा है? तुम लोग के इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा है। बरात वरात और जाइएगा? अब नहीं जाइए। कब हो? नहीं, अब बारात नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। अब बारात भूला गए, सब भूला भूला गए। आप लोग खाए हैं ना? हम नहीं। आप नहीं खाए हैं? आप खाए हैं बारात में? जी। क्या हुआ है? बुखार उखार लगा हुआ है। और क्या हुआ है? पेट झड़ रहा है। अच्छा तो फिर अगर बारात वरात आगे है कि नहीं? कहीं नाम ही नहीं रखिए। कहाँ बारात गए थे? यहाँ सन सरैया में। व्यवस्था बढ़िया से था? पूछिए जान, व्यवस्था बढ़िया उसी रात। आप अभी गए थे भाई साहब? नहीं गए थे आप? गए थे? हम गए थे। आपका किस तरीके का सब? वैसे ही है, पेट दर्द। अभी दर्द ही है? अभी दर्द, अभी सोया था मैं, दिन भर 3 रोज से सो रहा हूँ। अच्छा तब तो बारात का मजा खूब आया ना? बारात का मजा खूब आया है। जिंदगी में नहीं भूलिएगा? ना ना, ये काम भूलेंगे आदमी? आगे जाइएगा कि नहीं? ना अब नहीं जाऊंगा कहीं बारात। आगे नहीं जाइएगा? चाचा आप बारात जाइएगा? अभी नहीं जाइएगा। ये सारे लोग सूख गए हैं, थोड़ा सा इनसे भी पूछ लेते। अभी बारात गए थे? बारात तो हम भी गए थे। अच्छा आपका क्या स्थिति है? मेरा स्थिति तो 3 दिन से डमाडोल है, जो है सामने रखा हुआ दवा, अभी भी मेरा मतलब की पानी चढ़ा है आज भी 3 बोतल और फ्रिज 8-9 पड़ा हुआ है, अभी भी मतलब हम खड़े होने के लायक में नहीं है। ठीक है, और समझ जाइए वो खाना नहीं तो जहरा था हम लोग के लिए दिया। शुक्रिया कि हम लोग कैसे खड़े हम तो समझ रहे हैं। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे डिब्बा, ये सारा डिब्बा का पानी इन्हीं में चढ़ गया है, अभी शायद आगे भी चढ़ सकता है। हाँ अभी कोई स्थिति नहीं कितना चढ़ेगा, क्योंकि अभी हम आगे से बारात वरात नहीं जाइएगा? अब बारात कैसे आदमी जाएगा? मानते अभी सबक मिल गया ना, मानते ज्यादा कोई जहरा खिला दे इससे भी ज्यादा तो आदमी मरिए जाए ना, कैसे कैसे आदमी जिंदा हम समझ रहे हैं अभी। आप किसी तो भर भर सक रहे आदमी? रात में गए थे वहाँ के जो घर वाले थे अभी बोले हैं कि नहीं आप लोग? ना हम लोग अभी तो मैंने नहीं बोले रहे, क्योंकि हम होश में ही नहीं थे। तुम क्या बोलने जा रहे हो? हम लोग वहाँ बारात से आए हैं, अभी 2 को बारात 3 को होश में आदमी है ही नहीं, तो किस कहाँ किस से बोलने जाए हम लोग। अच्छा बाबू अभी बारात गए थे, क्या हुआ है? पेट जा रहा है। आपका भी जा रहा है? आगे से जाइएगा कि नहीं? बारात में ज्यादा मिठाई मिलेगा। अच्छा आप गए थे? जी। आपका क्या स्थिति है? हमारा तो बहुत बुरा स्थिति है, 2200 रुपया लग गए। हमारा बच्चा खड़ा है देख रहे हैं, इनका नाम सुनील शर्मा, इसका बाप हम जमुना शर्मा, नया बस्ती बेलबनवा का रहने वाला है। क्या हुआ है बरात? क्या हुआ है? पैंट तो ढीला हो रहा है ऐसे ही, पेट झरते झरते उल्टी होते होते मेरा मैंने शरीर डामाडोल हो चुका है। अब ऐसा हम लोग सोचते हैं जो कोई ऐसा कौन हमारे साथ विरोधी किया है उसका नाम जानना चाहते हैं। इसके लिए कोई प्रशासन, कोई ये देश का मुखिया सरपंच केएमपी, इसको खोज करो, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। वो मादरचोद है जो किया है हम लोग के साथ, 200 बरतिया के साथ ऐसा किया है वो। यहाँ जितना लोग बराती गए थे सब लोग का हो गया, सब कुछ ही का। अरे इसका लीवर सही है? हाँ, अगर 60-65 बरस का बुढ़ा गया होता तो उसको फ्लाइट हो गया होता। फ्लाइट हो गया? फ्लाइट हो गया है, ये तो सबको फ्लाइट होने वाला था। अच्छा। लेकिन शुक्र कहिए, आप लोग के दुआ कहिए जो हम लोग इस पंचायत में नया बस्कित में आप लोग के आने का सुविधा मिला है, जो कि हम लोग के भी देख भी रहे हैं,
इसके लिए आप लोग बारात वरात जाइए। अब बारात क्या करने जाएंगे, अब हमारे 5 बच्चे हैं, किसी के बारात में घरवाली है, हम मर जाएंगे तो हमारे घरवाली बच्चे को कौन मादर चोट खर्चा देगा, देगा कोई? अब नहीं जाइएगा, अब क्या करने जाएंगे? जाएंगे बारात तो करेंगे, अच्छा लेकिन ये करेंगे शादी हो जाएगा उसके बाद जाएंगे, न्योता करेंगे, लेकिन उस दिन तो नहीं। हम कह रहे हैं कि हम सबका हालत बहुत खराब है साहब, ये लोग जहर खिला दिए हैं हम लोग को मरने के लिए, जाके घर घर देखिए क्या हालत है, पूरा गाँव में मर रहा है लोग, जाके देखिए गांव में घूम कर भी सब लोग सो रहा है, पानी चढ़ रहा है, उन्हें मरने वाला काम किए हैं, पानी चढ़ा है जी, हमको 2 बोतल पानी चढ़ा है। अच्छा आपको भी चढ़ा है? नहीं, मेरे 2 लड़के जो बारात में गए थे, मैंने तो कहीं कुछ किया नहीं, लेकिन धन्य भाग है कि मीडिया ने हमारे दरवाजे पर पधारा है यहाँ पर गाँव में। आप लोग जो है मीडिया के माध्यम से न्यूज चैनल पर दीजिएगा, अगर प्रशासन सुने, प्रशासन को जानकारी हो तो प्रशासन इस पर जो है उचित कानून कार्रवाई करे, चाहे लड़का पक्ष से हो चाहे लड़की पक्ष से हो, लेकिन हम लोग नहीं कुछ किए, हम तो अपने बच्चों में लगे हुए हैं कि हमारे बच्चे अभी न्यूज़ प्रशासन और प्रशासन वाले अपना खोजे और जांच पड़ताल करे कि हम लोग को कुछ राहत मिल सके कि हमारे। चलिए अब इस बारात की कहानी बता रहे हैं और इस बारात से संदेश ये मिलता है कि अगर आप बारात जाइएगा तो घर पे 5-10 हजार रुपया रख के जाइएगा, क्योंकि ना जाने कब कौन से बारात में क्या हो जाएगा, कोई किसी को पता नहीं। सारे लोग का घर में तबीयत खराब हो गया, उसका स्थिति देखा जाए, इनका ये चल रहा है। याद भाई आपका भी स्थिति दिखा देते हैं, आपका स्थिति क्या है? हमारा बहुत तबीयत खराब है, देख लीजिए, हम दवाई ही लेके आ रहे हैं अभी। अच्छा मुंह सूख गया है, क्या है वो खाना बारात में पता नहीं क्या मिला किया है लोग। अच्छा कोई बारात वरात नहीं जाइएगा दोस्त के? कौन ऐसे चलेगा तो कौन जाएगा? नहीं जाइएगा ना? नहीं पक्का नहीं जाइएगा? ऐसे चलेगा तो कोई जाएगा बारात? नहीं जाएगा कोई, नहीं नहीं जाएगा। अब बाकी जो लोग बाराती जाते हैं उनको क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, जब हम ही ठीक नहीं है तो दूसरों को क्या कहेंगे जाने? अच्छा, के लड़की लिए लड़की वाले के द्वार पे खाना खाए लोग, लड़की वाले को क्या बोलिएगा? उनके पिता है वो हमको मालूम नहीं है, वो कैसे भी खिया है, हम लोग तो बीमार है लोग। आप लोग बीमार हैं? हम लोग बीमार, पूरा गांव ही बीमार हो गया है। अब बारात जाना संभव नहीं है क्योंकि बराती जाना इतना महंगा हो गया है कि पहले घर पे 5-10 हजार रुपया रखना पड़ेगा, फिर बारात में जाइए, और बारात में जाने के बाद अब पता नहीं लड़की वाले क्या खाना खिला देंगे कि सारा गांव ही तमाम होने के कगार पे आ जाए। जी हाँ, वैसे हो गया। हाँ जी हो गया। तो चलिए आज से जितने भी बराती जाने वाले हैं उनको संदेश भी मिल गया, और बाराती जिनको जाना है जाते रहिए, खाना है खाते रहिए, और घर पे इलाज कराते रहिए, सही है ना? बिल्कुल सही बात। चलिए इन लोगों के बारे में आपका क्या रहा है, और सनसरैया के धन्य लड़की के माता पिता के बारे में आपको क्या कहना है जिनके दरवाजे पे खाना में कुछ मिला के खिलाने पे इन लोग का ये हालात हुआ, 2 शब्द जरूर लिखिएगा। क्या बोल रहे हैं? बारात फनफरिया में सीताराम पटेल नाम है उनका, वार्ड नंबर 42 में घर है। सीताराम 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 पटेल सीताराम कहते रहिए, अब कर ही रहे हैं ना हम लोग, अब हम भोग ही रहे हैं सीताराम करके, शुक्र मनाइए राम राम नहीं हुआ हम लोग का। अच्छा वही बाकी रह गया है सीताराम का स्थिति यह हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ सीताराम हो रहा है, राम राम नहीं हो रहा है। चलिए जाते जाते मेरा प्रयास यहाँ से कैसा लगा, इन बराती लोग के खूबसूरत बात पे, खाने वाले बात पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।